भारत उत्सवों का देश है, छोटे छोटे चीजों में उत्सव ढूंढते हैं लोग, मेले में जो है आते हैं, तो इस तरह का जो मामला था वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है, मगर इसके बाद भी मेले ठेले इस देश की अभी भी रगों में बसे हुए हैं। आज मकर संक्रांति का त्योहार है और मकर संक्रांति के त्योहार में गांव घर से लेकर हर तरफ इसका एक उत्साह होता था। धीरे धीरे करके शहरों में भले ही कमजोर होता जा रहा है, मगर हम इस समय खड़े हैं भरका गांव में या भरका जो नदी स्थान है वहां पर, तो यहां आप देख सकते हैं कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाला पुराना मेला जीवित है और अपने आखिरी अस्तित्व में है। तो इन सब पर काम करने वाले प्रशांत हमारे बीच में। प्रशांत, ये जो मेला है किस तरह देखते हैं इसको आप? दरअसल भारत में ग्राम मेलों का आयोजन तो वार्षिक तौर पर होता रहा है और विशेष तौर पर जहाँ पर धार्मिक जगह रहती थी उनके किनारों पे इस तरीके के मेले वर्षों से यहाँ पर होते आ रहे हैं। और ये जो भरखा का मेला है, ये हम मेले का व्यू भी दिखाएंगे लोगों को। जी, ये आधुनिकता से दूर यदि हम देखें तो पहले इन मेलों का अस्तित्व इस तरीके का था कि जब गांव में सड़क या इस तरीके का आवागमन का साधन नहीं था तो गांव वाले इन्हीं मेलों पर कहीं ना कहीं निर्भर रहते थे। घर वालों के लिए जरूरत के सामान, महिलाओं के लिए श्रृंगार की वस्तुएं और बच्चों के लिए खिलौने, पहले इन्हीं मेलों से इनका पूर्ति। अभी भी इसमें मेले में हम देखेंगे तो ट्रेडिशनल लुक है इस मेले में, अभी भी देखेंगे तो बहुत जो ग्रामीण क्षेत्र की इनिशियल चीजें हैं जरूरत की वो सब है, और दूसरी जो खाने पीने की चीजें हैं जो गाँव में बहुत कम सुलभ होती है। दरअसल 10-20 साल पुराना जो ग्रामीण परिवेश था, आज इस मेले को देख के स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है लकड़ी और मिट्टी के जो बर्तन और खिलौने जो 10-20 साल पहले मिला करते थे, आज भी हम उनको यहाँ पर देखते हैं, जो कि शहरों में नदारत है। इसके अलावा आप देखेंगे खाने पीने की भी जो चीजें हैं या घर में रोजमर्रा के उपयोग होने वाले छोटे मोटे उपकरण जो है वो भी इस मेले में हमको देख सकते हैं। जरूर, इसमें खाने पीने की जो भी चीजें हैं जो कि शहरों में जो नहीं मिलती है जी। तो आज गांव में बिल्कुल उसका ऑथेंटिक टेस्ट जो होता है, जो गांव वाले यहां पर खुद ही दुकान लगाए हैं और खुद ही उस तरीके से बना रहे हैं, तो ऑथेंटिक टेस्ट यहां पर मिल सकता है और उसका अनुभव हम यहां पर कर सकते हैं। हाँ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तो अपने तरह से समेट ही रहे ये मेले। इसके अलावा भी देखिए कन्वेंस के लिए भी आज भले ही ट्रैक्टर ट्रॉली आज आ रही है, बैलगाड़ी खत्म हो गई है, पर ज्यादातर हम देखेंगे तो गाँव के लोग अभी भी ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही निर्भर है, और वो ही लोग उसमें हैं जिनके लिए मनोरंजन के या दूसरे साधन अभी भी उतनी अप्रोच में नहीं आ पाए। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल आवागमन के लिए बैलगाड़ी या ट्रैक्टर का उपयोग जरूर कम हो गया है, लेकिन खिलौने के रूप में आज भी उनको दुकानों में हम देख सकते हैं। ये जो आवाजें आप आ रही हैं देख रहे हैं चारों तरफ जो है, तो लग रहा है मेले ठेले जैसा माहौल, काफी हर्षोल्लास का माहौल है और बच्चों के लिए तो काफी अच्छा है ये मेला। इस तरीके के मेलों का आयोजन होते रहना चाहिए और लोगों को यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि यही संस्कृति है, यही भारत के ग्रामीण भारत का मुखौटा है। जी बिल्कुल, तो संस्कृतियों में मेलों का अपना इतिहास है, मेलों का अपना महत्व है, और मेले जिंदे रहेंगे तो लोगों के बीच में उनका आनंद, उनका उत्साह, उनका त्योहार जिंदा रहेगा। तो अगर आप अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं, अपने आनंद को जिंदा रखना चाहते हैं, तो इन मेलों का उत्सव का मजा लीजिए और इनका लुत्फ उठाइए।